रामकिरी महाराज को गिरफ्तार की मांग को लेकर नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विधायक विकास ठाकरे के नेतृत्व में नागपुर शहर अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी ने नागपुर सीपी रविंद्र सिंगल से मुलाकात की। सीपी रविंद्र सिंगल को गृह मंत्री से मिलकर इस विषय को गंभीरता से लेने का सुझाव आमदार विकास ठाकरे ने दिया। नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष वसीम खान के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और हर समाज के जाने माने लोग नजर आए थे। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में अपशब्द बोलने वाले रामकिरी महाराज को गिरफ्तार और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विधायक विकास ठाकरे के नेतृत्व में नागपुर शहर अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी ने नागपुर सीपी रविंद्र सिंगल से मुलाकात की। आमदार विकास ठाकरे इन्होंने नागपुर शहर पुलिस आयुक्त साहब से कहा कि नागपुर के लोग अमन और शांति बनाकर चलने की मानसिकता वाले हैं। रामकिरी महाराज ने पैगंबर साहब के बारे में बोलकर मुस्लिम समाज के करोड़ों के हृदय को ठेस पहुंचाई है। किसी भी समाज के भगवान को अपशब्द बोलने वाले को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कहा। विधायक ठाकरे ने सीपी को गृह मंत्री से मिलकर इस विषय को गंभीरता से लेने को कहा। एडवोकेट आसिफ कुरेशी और डॉक्टर अनिश अहमद ने सिपे समाज में रोष का वातावरण है, रामगिरी महाराज को गिरफ्तार करें तो रोष कम होगा, ये बात कही। कांग्रेस नेता अतुल कोटिचा और गिरीश पांडा ने इसे महायुति सरकार की खराब राजनीति बताया और शांति बनाए रखने की बात कही। डॉक्टर आवेश हसन और नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक के अध्यक्ष वसीम खान ने कमिश्नर सिंगल से कहा कि रामगिरी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और जो उसके विरोध में आंदोलन कर रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। प्रशासन के आला अधिकारी भी दबाव में हैं। दोहरा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक के विभाग के अध्यक्ष वसीम खान के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हर समाज के जाने माने लोग नजर आए, जिसमें पूर्व मंत्री अनिश अहमद, एडवोकेट आसिफ कुरेशी, गिरीश पांडव, अतुल कोटिचा, सैयद ओवैसी कादरी, सैयद हाशिम नवेद, डॉक्टर आवेश, शहबाज सिद्दीकी, हफीज बालू शेख, इमाम शाकिर रजा, आसिफ मांडवा, राजा खान, मुमताज अली, समीर हाजी, अतीक कुरेशी, मुख्तार अंसारी, अमन सिंह, रमन कलवाले, रिजवान रुमवी, बाबू खान, बाबा भाई, मोइन काजी, आसिफ भाई, नईम खान, आसिफ जमील, नितिन बाहुरे, जुबेर खान, हैदर अली, याकूब खान, सैयद अद्दू, जिशान, रशीद पहलवान, साजिद, सरफराज, रजा अली, फिरोज शाइची, सद्दाम, वसीम बाबू, हाजी वसीम, इमरान, तौसीफ पठान, अफसर और आदि सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट। आपके शहर में आया है शॉपिंग का जैकपॉट। नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट कंज्यूमर एक्सपो 2024। कश्मीर से कन्याकुमारी तक के हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे। भव्य प्रदर्शनी व बिक्री 27 जुलाई 2024 से शुरू, सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक। हमारा पता हनुमान मंदिर ग्राउंड, रामनगर चौक, राम मंदिर के बाजू में रामनगर। यहाँ आपको मिलेगा कश्मीरी साड़ी, कलकत्ता साड़ी से लेकर खादी शर्ट, कॉटन शर्ट, खादी कुर्ता, केकड़ा बेडशीट, जयपुरी बेडशीट के सभी रेंज, साथ ही फैंसी ज्वेलरी, स्टोन ज्वेलरी, राजस्थानी एंटीक ज्वेलरी, फिरोजाबाद बैंगल, लोअर गाउन, पायदान, कारपेट, वेस्टर्न टॉप, टेराकोटा पॉट, बाम्बू वर्क, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, पटियाला जूती, राजस्थानी जूती, बॉम्बे सेंटर, राजस्थानी बैग, पश्मीना शॉल, कश्मीरी कुर्ती, कलमकारी, मुखवास एवं चूरन, पापड़, कॉस्मेटिक, होम अप्लायंसेस और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, आज ही इस एक्सपो को भेज दीजिए।